आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 40 में है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। आसनसोल लोकसभा चुनाव 29 तारीख को होने जा रहा है। पिछली बार बीजेपी के बाबू सुप्रियो ने जीत हासिल की। इस बार क्या होगा ये आने वाले 23 मई के बाद ही पता चलेगा। तो आइए जानते हैं जनता का मूड क्या है। मुद्दों पर वोट दूंगा। डेवलपमेंट को देख के क्या देख कर? बस आज का प्रोग्रेस जो हमारे एरिया में क्या चेंकी भैया 40वें वार्ड से हैं और हमारे जितना भी जैसा जैसा प्रोग्रेस काम होता है वो सारा जितना जो भी कुछ काम भी रहता है बोलते हैं तो एक बार में ही हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होता है, एक बार बोलने से हो ही जाता है। गरीब अमीर सब पर नजर आते हैं सरकार, और चुनाव जब खत्म हो जाता है ना भूल जाते हैं, चुनाव जब खत्म हो जाता है ना भूल जाते हैं। सर घर घर में गरीब है, हम लोग कमाएंगे तो ही खाएंगे, सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं करता है। हम लोग कमाएंगे तो ही खाएंगे, सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं करता है। वृद्धा हो चाहे विधवा, हम लोग के लिए हम लोग का सलाह फालतू बैठे हम लोग को कोई रोजगार देवे? कोई भी सरकार हो जो भी जीते। हम लोग को वार्ता में तो अच्छा है, हम लोग जो बोलते हैं करते हैं। तो क्या का चाहिए, क्या आशा लग रहा है कि कौन जीत सकता है? आशा लग रहा है हम लोग को। क्या लगता है कि इस मर्तबा भी मोदी सरकार का हवा है कि आप? हवा पिछले बार थी, समझ गए कि नहीं? हम सारे 15 लाख का जो वादा किया था उसका रिपोर्ट कार्ड में पहले देखिए, 100 दिन में काला धन वापस आएगा, वो वापस आया 100 दिन में। 15 लाख रुपया हमारा अकाउंट में आने वाले थे, वो मुद्दा है। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जो दिया था, बताए थे कि रिपोर्ट कार्ड हम पढ़ के सुना देंगे, रिपोर्ट कार्ड पहले सुनाइए उसके बाद हम बात करेंगे कि लहर है ना गहर है। यहाँ बराबर जो उन्नयन करता है हमारा ममता बनर्जी, उसका हिसाब से हम लोग चलेंगे, दूसरा कोई सुनवाई नहीं है। ये तो आते हैं खाली भेदभाव लगा के चले जाते हैं। 5 साल में कितना बार है हम लोग को पता ही नहीं है, जबकि ये वार्ड हम लोग जिताए थे, हम इलेक्शन एजेंट थे उनका। हम ही बोल रहे हैं कि इस बार लहर हर हटाओ, जो है ममता बनर्जी के साथ है, बराबर रहेंगे, रहना है। देखिए यहाँ रह रहे तो यहाँ सब कुछ व्यवस्था यही ना है, यही सोच के देंगे। मेरा बगल में काउंसलर है, तुरंत जाते हैं, तुरंत हो जाता है काम, यही सोच के कि हाँ सबको अच्छा से भलाई करता है। काउंसलर पहले बीजेपी करते थे, अभी टीएमसी कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो सोचा उसको अच्छा दिमाग आया कि हाँ ये चीज ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए सोचे कैसे में हमको ठीक। हम लोग बंगाल के तो बंगाल में रहे हैं। तो अच्छा होना चाहिए और क्या, शादी करके आए तो हम सब वोट देते जा रहे हैं। जिनका जो मन होता है तो कर देते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है, इच्छा अनुसार है, कोई जीते कोई है, लेकिन अपना मन से काम करते हैं। आशा तो रखते हैं कि बहुत कुछ होगा, लेकिन उतना तो होता नहीं है। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट, और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो
ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। फैशन प्लाजा, फैशन प्लाजा बिगेस्ट इमिटेशन ज्वेलरी एंड फैशन मेकअप शॉप इन आसनसोल। फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेश कीमती मसनुआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर गैलेक्सी मॉल। এখন আমরা আশা করব যে সরকারই আসুক বেকার সমস্যার যেমন সমাধান হয় আর জিনিসপত্রের দাম যেমন লিমিটেশনে থাকে যাতে সাধারণ লোক, সাধারণ পাবলিক খেয়ে করে বাঁচতে পারে, এই আশা করি আমরা যে সরকারই আসুক। হ্যাঁ, সিনিয়র সিটিজেনদের যেমন সুদের হার কমিয়ে দেওয়াতে তাদের মধ্যবিত্ত যারা আছে, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্য তাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেইটা যেমন আশা করি কোনো একটা যদি ওদের জন্য ভাবা হয় সিনিয়র সিটিজেনের পক্ষে সেটাও ভালো, আমরা এই আশা করব। আচ্ছা, আমার পার্সোনালি অপিনিয়ন হচ্ছে যে যখন আমরা অ্যাট দ্য টাইম অফ বিফোর এনডিএ গভর্নমেন্ট এটা যখন আমরা প্রথম রিটার্ন করার পরে যখন টাকাটা ইয়েতে রাখলাম ব্যাংকে, সে সময় ছিল 9.5, এখন সেটা নেমে চলে এসছে 7.1 or 7.05। তো ডে বাই ডে যদি ডিক্রিজ হয় আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের পক্ষে সংসার চালানো খুব মুশকিল, এটাই আমাদের সম্ভব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ডে বাই ডে মানে প্রাইস হাইক হচ্ছে, মার্কেট প্রাইস, অতএব ওই টাকায় সংসার চালানো আমাদের কত যে অসুবিধার মধ্যে হচ্ছে সেটা আমরা বুঝছি। এই ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যে সরকারই আসুক আগামী দিনে তাদের এটা অবশ্যই দেখতে হবে। এই জন্য আমরাও চিন্তাভাবনা করছি যে এই জিনিসগুলো যেন সরকারের কাছে পৌঁছে এবং এবং এই বিষয়ে ঠিক পদক্ষেপ তারা নেয়, স্টেপ নেয়। প্রবলেম যে আমরা সলভ করে গেছে স্যার, বাবু সুন্দর কাম কিয়ে এসে আপনি এই কাম দিয়ে বাদ ইস বার যে খড়া হয় মনমোহন স্যার আপ শুনে হ্যাঁ শুনে হ্যাঁ কি বাঁকুড়া আমি যাওয়া তো আয়া নেই কাম কিয়া নেই যাবে আপনি ছুটি হয় ঠিক তাই হ্যাঁ সিডিএম পে গরম কথা খড়া হওয়া হয় গরম লাগে আচ্ছা আপনি হ্যাঁ আপনি দেখে কোন কেসা কাম করে গা নেই করে গা তো তো উপর ডিপেন্ড হয়ে যায় আমার কাজে যে যেটা কাম করে গা আমার উসি কো সাপোর্ট করে উসি কো উপর কুছ কাহা নেই যা সকতা হ্যায় ইস নরেন্দ্র মোদী কা বর্চস্ব হ্যায় রাহুল কা ভি আপনা আপনা হ্যায় লোক এটা পিসো কা হ্যায় মিলকা কা উপরে হ্যায় জো এসে তরহ তরহ কি বাতে হো রহি হ্যায় আব কিসকা ক্যা হোগা ইসকা তো কানা আবি তো মুশকিল হ্যায় আজ সব সব ছোড় দিয়া ভোট খা লেতে আশা রখে আপকো সবকি সবই কো চাহ রা হ্যায় কি কুছ চেঞ্জিং হো ঠিক হ্যায় কি নেই